हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम क्या है और इन्हें किस तरह बनाया जाता है। जिस ऑर्गल डायग्राम बनाते टाइम हम जो मेन पॉइंट्स हैं वे इस तरह से हैं कि एनर्जी ऑफ टर्म इज प्लॉटेड अगेंस्ट लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। टर्म की एनर्जी और लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में बनने वाले डायग्राम्स को हम कहते हैं ऑर्गल डायग्राम। इन डायग्राम्स के अंदर जो टर्म की एनर्जी है उसे हम ऑर्डिनेट एक्सिस पर लेते हैं और लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को हम एफसी का एक्सिस पर लेते हैं। कंसीडर ओनली स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट हैविंग सेम मल्टीप्लिसिटी। हम इनके अंदर वे टर्म्स यूज करते हैं जिसमें ग्राउंड स्टेट टर्म और समान मल्टीप्लिसिटी वाली एक्साइटेड स्टेट को ही कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर हम जो है स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ही हम ट्रांजिशन शो करते हैं, इसलिए हम ग्राउंड स्टेट टर्म और सेम मल्टीप्लिसिटी की एक्साइटेड स्टेट्स को ही कंसीडर करते हैं और स्टेट्स को हम कंसीडर नहीं करते। ओनली फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये डायग्राम सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही बनाए जाते हैं। डीएन और डी 10 माइनस एन हैव इनवर्स डायग्राम। डी एन और डी 10 माइनस एन के लिए जो डायग्राम्स होंगे वे सेम होंगे लेकिन सिर्फ इनवर्स होंगे, जो टर्म्स होंगी वो इनवर्स हो जाएंगी। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल और एंड टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए भी जो डायग्राम्स होंगे वे इनवर्स डायग्राम होंगे, डायग्राम सेम होंगे लेकिन उसकी टर्म्स इनवर्स हो जाएंगी, डायग्राम उल्टे होंगे। दीज डायग्राम्स हम बनाते हैं टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम बनाए जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें कंपाउंड का मिलता है वहाँ पर कितने हमें पीक्स मिलेंगी या कितने हमें बैंड्स मिलेंगे उनको एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्गल डायग्राम बनाए जाते हैं। तो ये हैं उसके मेन पॉइंट्स। सबसे पहले हम लेंगे D1 सिस्टम के लिए ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 ऑक्टाहेड्रल, D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल डायग्राम हम किस तरह से बनाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यदि मेटल आयन आइसोलेटेड है, अकेला मेटल आयन है, तो उसके सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वे डीजेनरेट होते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर जब फील्ड ऑक्टाहेड्रल है तो डी ऑर्बिटल्स जो हैं दो में डिवाइड हो जाते हैं, T2g और Eg। ये हम पहले अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर चुके हैं। T2g की एनर्जी Eg से कम है। तो जब ग्राउंड, जब आप नॉर्मल स्टेट के अंदर, तो जो कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम भरेंगे T2g के अंदर, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो होगा T2g1 Eg0, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो T2g ऑर्बिटल के अंदर। यदि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा Eg के अंदर, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2g0 Eg1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में होगा। यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो T2g से Eg में हो रहा है, तो ये है DD ट्रांजिशन। और इसके कारण जो बैंड हमें कितना मिलेगा, एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर बैंड कितने होंगे, एक बैंड हमें मिलेगा, वो मिलेगा T2g से Eg में ट्रांजिशन के कारण। अब हमें ऑर्गल डायग्राम बनाना है तो हम सबसे पहले हम उस सिस्टम के लिए हम जो है ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे। D1 के लिए सिस्टम के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो है DG। ये हमने किस तरह से निकाल रही है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमने डी ऑर्बिटल्स बना लिए ग्राउंड स्टेट टर्म बनाने के लिए। हमने डी ऑर्बिटल्स बना लिए D1 सिस्टम के लिए हम क्योंकि कर रहे हैं, और इनके लिए जो ML वैल्यू होती है +2 से -2 होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन हम इस ऑर्बिटल के अंदर भर देंगे, तो जिसके कारण टोटल L वैल्यू होगी जो है टोटल स्पिन, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये होगा 2, जिसके लिए 2 वैल्यू है। S है यहाँ पर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो हाफ है। MS है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो हम निकालते हैं MS = 2S+1, इससे हम S की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 2। अब हम टर्म के लिए सिंबल कैसे लिखेंगे,
एल की वैल्यू टू है, एल की वैल्यू यदि टू है तो हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो हम करेंगे डी, डी हो जाएगा और ऊपर हम लग देंगे टू, तो जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी डबलेट डी। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो सिंबल हुआ वो होगा डबलेट डी। स्टेट्स की स्प्लिटिंग लिगेंड फील्ड के अंदर वैसे ही होती है जैसे कि पी ऑर्बिटर्स की होती है, तो डबलेट डी ऑर्बिट जो होगी स्टेट होगी इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी डबलेट टी टू जी और डबलेट ई जी के अंदर, दो स्टेट में इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, लेकिन इनकी मल्टीप्लिसिटी सेम ही रहती है डबलेट टी टू जी डबलेट ई जी। ये है इसके मुलिकन सिंबल, जो स्टेट्स स्प्लिट होंगी उनके लिए हम मुलिकन सिंबल्स ये यूज़ करें। जब हमने ग्राउंड स्टेट में हमने जो कॉन्फ़िगरेशन देखा था, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन था टी टू जी वन ई जी जीरो। अब ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो टी टू जी ऑर्बिटल के अंदर है। अब टी टू जी ऑर्बिटल हम जानते हैं तीन है, हम किसी भी एक टी टू जी ऑर्बिटल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, प्लेट है, मतलब तीन तरह से आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैसे, डी एक्स वाई वन डी वाई जेड जीरो डी जेड एक्स जीरो, डी एक्स वाई जीरो डी वाई जेड वन डी जेड एक्स जीरो, डी एक्स वाई जीरो डी वाई जेड जीरो डी जेड एक्स वन। तो हम तीन तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, टी टू जी जीरो ई जी वन, ई जी के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ई जी ऑर्बिटल दो होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर भी रख सकते हैं, हम जेड स्क्वायर के अंदर भी रख सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या लिख सकते हैं, हम टी टू जी जीरो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन डी जेड स्क्वायर जीरो, या टी टू जी जीरो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जीरो डी जेड स्क्वायर वन। इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में हम कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से लिखते हैं। तो जो स्टेट जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी डबलेट हो सकती है। अब हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म भी आ गई, अब हम इसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। हमने बताया था कि हम टर्म की एनर्जी को लेंगे हम ऑर्डिनेट एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर हम लेंगे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो डेल्टा समेशन करें। यह टर्म की एनर्जी, यह टर्म हमारे पास एक ही है, डी वन के लिए हमारे पास एक ही टर्म आती है, डबलेट जो होगी टर्म वो एक ही है, वो है डबलेट डी। डबलेट डी टर्म हमें पता है दो में स्प्लिट होनी है, डबलेट टी टू जी डबलेट ई जी। अब हमें ये देखना है कि लो एनर्जी की टर्म कौन सी होगी। अब हमने देखा था कि ग्राउंड स्टेट टर्म में उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आती, ट्रिपलेट, इसका मतलब लो एनर्जी की टर्म क्या आएगी, डबलेट टी टू जी। एक्साइटेड स्टेट की जो हमने देखा था कॉन्फ़िगरेशन हम दो तरह से लिख सकते थे, तो वो क्या मल्टीप्लिसिटी उसकी कितनी थी, टू, वो डबली डिजेनरेट थी, इसका मतलब जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो होगी डबलेट ई जी। टी टू जी जो स्टेट है वो किसके समान है, कॉन्फ़िगरेशन के टी टू जी वन ई जी जीरो के समान है, और डबलेट ई जी स्टेट जो समान है टी टू जी जीरो ई जी वन के। तो ये हमारे पास आ गया डी वन ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए ऑर्बिटल डायग्राम। हमने सिर्फ इसके लिए क्यों, स्टेट एक ही है, डबलेट डी स्टेट है, और लिगेंड फील्ड के अंदर डबलेट डी स्टेट दो में स्प्लिट होगी, डबलेट टी टू जी और डबलेट ई जी। हमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में लो एनर्जी की स्टेट कौन सी हैं, और लो एनर्जी का हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट जो है ट्रिपली डिजनरेट है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट जो होगी डबलेट टी टू जी होगी। एक्साइटेड स्टेट हमने वहाँ देखी थी कॉन्फ़िगरेशन में, उसके अकॉर्डिंग दो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते थे हम, तो जो एक्साइटेड स्टेट है वो क्या होगी, डबली डिजनरेट, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट क्या होनी चाहिए, डबलेट ई जी, ई होता है डबली डिजनरेट के लिए, टी होता है ट्रिपली डिजनरेट के लिए। तो ये हमारे पास आ गया ऑर्बिटल डायग्राम फॉर डी वन सिस्टम इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्बिटल डायग्राम कंसिडर करेंगे। थैंक यू।